देश भर के सभी पैन कार्ड धारकों के लिए आ गई बहुत बड़ी खबर। सरकार ने की घोषणा, इन पैन कार्ड धारकों को देने पड़ेंगे 1,000 रुपए। इस तारीख तक अगर आपने नहीं किया ये काम तो लगेगा जुर्माना। सरकार के इस नए नियम से आपके पैन कार्ड पर लगेगा 1,000 का जुर्माना। अगर आप भी हर रोज पैसे का लेन देन करते हैं या महीने में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर अब आप नहीं कर पाएंगे। सरकार आपके ट्रांजेक्शन पर रोक लगाने वाली है। आपके ऊपर बड़ी आफत आने वाली है क्योंकि सरकार ने आपको कई मौके दिए इस काम को करने के लिए, लेकिन आपने हर बार नजरअंदाज किया। वहीं अब अगर आपने नजरअंदाज करने की आदतों को नहीं छोड़ा तो जल्द ही आपके पैन कार्ड पर सरकार 1,000 रुपए का जुर्माना लगाने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने आपको इस काम को निपटाने के लिए एक और आखिरी तारीख दी है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रहे कि इस बार चूके तो फिर आपको 1,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। सरकार इस तारीख को नहीं बढ़ाने वाली है। सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अभी भी आप जुर्माने के रूप में अपना 1,000 बचाना चाहते हैं तो इस तारीख तक आप ये काम पूरा कर ले ताकि आपके पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट आपको बताते हैं कि सरकार पैन कार्ड पर क्यों और किस वजह से 1,000 का जुर्माना लगाने जा रही है और वो कौन सा दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आपको आपके पैन कार्ड से लिंक कराना है। मोदी सरकार का ऐलान, इन पैन कार्ड धारकों को देना होगा 1,000 रुपए का जुर्माना। देश में आम नागरिक के लिए किसी भी तरह के कामकाज या लेन देन के लिए इन दो बड़े डॉक्यूमेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बिना आप किसी भी तरह का कोई लेन देन से जुड़ा काम नहीं कर सकते। इन दोनों दस्तावेजों में एक है पैन कार्ड और एक है आधार कार्ड। इस बीच आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ी सूचना जारी की, जिसमें बताया गया कि देश के सभी पैन कार्ड धारक अपने पैन कार्ड को आधार से जल्द लिंक करा लें, जिसकी आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। इसके साथ जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक ये तारीख 31 मार्च 2023 थी, लेकिन ज्यादातर पैन कार्ड धारकों ने अभी भी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया, जिसकी वजह से सरकार ने इस तारीख को 31 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करा सकते हैं। अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद यहां पर लॉगिन करना होगा। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं और आपका वहां पर कोई अकाउंट नहीं है तो आपको पैन कार्ड का इस्तेमाल करके एक नया अकाउंट बनाना होगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रहे कि इस वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी ही आपका पैन नंबर होगा। इसके अलावा आपके पास दो और विकल्प हैं जहां से आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं। पहला utiitsl.com या egov.nsdl.co.in पर, दोनों ऑफिशियल सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से आप अपने आधार और पैन कार्ड को जोड़ सकते हैं। खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।